ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक बंद घर और उस घर में दो लाश, एक महिला और एक पुरुष की, दोनों के शव चले हुए और घटना करीब 6 दिन पुरानी। दरअसल ये जो लाशें थी वो थी एक महिला और उसके चेट, जो दोनों एक साथ रहते थे परिवार से अलग। लेकिन इस बार जो तस्वीर सामने आई वो थी एक पुरुष की फंदे से लटकी लाश की, तो दूसरी तरफ जमीन पर पड़ी महिला की लाश की, जो जली हुई हालत में थी। चलिए पूरे माजरे को समझने की कोशिश करते हैं यूपी के जालौन से मिली इस रिपोर्ट के साथ। यूपी का जालौन शहर जहां हड़कंप मचा था, एक घर में करीब 6 दिन पुरानी दो लाशों की बरामदगी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से किसी को इनके बारे में कोई खबर नहीं, और जब इलाके के लोगों को मामले की खबर हुई तो हड़कंप मच गया। एक बंद घर से यहां पुलिस ने करीब 6 दिन पुरानी दो लाशों को बरामद किया, और जिन लोगों की लाशें बरामद हुई वो रिश्ते में जेठ और पाहु लगते थे। दरअसल यहां जिस शख्स की लाश के साथ जिस महिला की लाश बरामद की गई वो इस शख्स के छोटे भाई की पत्नी थी, जिसकी मौत हो चुकी थी। सामने आया है कि इस मामले की खबर मृतक व्यक्ति के बेटे ने पुलिस को दी थी, जिसके बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची और एफएसएल टीम ने भी अपनी ताफ्तीश का दौर शुरू किया। नहीं, अभी इतनी जल्दी निष्कर्ष पे नहीं पहुंचा जा सकता है। अभी घटनास्थल का मुआयना किया है हमने, और यहाँ पे हमारे अधिकारी मौजूद हैं, फोरेंसिक टीम मौजूद है। जो महिला है उसकी तो डेड बॉडी है, जली हुई अवस्था में है। पुरुष भी आंशिक रूप से जला हुआ है, भोले पड़े हुए हैं, कई दिन पुरानी लाश है और हैंगिंग पोजीशन में है। तो हम लोग पहले तो इसको पोस्टमार्टम के लिए भेज रहे हैं, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद में अगर कोई स्थिति बनती है तो इससे जुड़े हुए विभिन्न पहलुओं के बारे में छानबीन की जाएगी। पारिवारिक रिश्ते कैसे थे, कहीं से किसी से विवाद तो नहीं था। अभी तक जो बात बताई जा रही है उसमें ना तो विवाद की बात बताई गई है और न ही कोई बाहर से फोर्सफुल एंट्री है। मकान जो है बाहर से बिल्कुल बंद था, तो ऐसी स्थिति में हम लोग मान के चल रहे हैं कि जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट हमारे पास नहीं आ जाती है तब तक कंक्लूसिवली हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। पता चला है कि कमलेश कुमार कुशवाहा इस घर में अपने भाई की पत्नी के साथ कई सालों से रह रहा था, लेकिन कुछ वक्त से उसका कोई अता पता नहीं था, जिसके बारे में दूसरे परिजनों ने कमलेश के बेटे पंकज को औरंगाबाद खबर की। जानकारी मिलने के बाद अपने पिता की तलाश में पंकज अपने घर पर पहुंचा तो उसे पूरा घर बंद मिला। आखिर कौंच कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और दरवाजा खोलने की कोशिश की गई, लेकिन अंदर से बंद होने के कारण पुलिस को छत से जाना पड़ा, जहां आंगन में उसे दो लाशें नजर आई, जिसके बाद पुलिस ने सीढ़ियों का दरवाजा तोड़ा और वो अंदर दाखिल हुई। हालांकि पुलिस ने अभी इस मामले पर ज्यादा कुछ साफ नहीं किया है। ये तो मुझे भी मालूम है कि रियल पत्नी नहीं है, लेकिन ये इनके छोटे भाई की पत्नी है जो साथ में रह रही थी, और इनके जो महिला है उसके पति का देहांत हो चुका था। तो परिवारों में ऐसा होता है, कोई बहुत अजूबा चीज़ नहीं है इस क्षेत्र के लिए। जहाँ पे पति की मृत्यु हो जाती है तो भाई के साथ रहती हैं महिलाएं, और इनका जो लड़का है पहली पत्नी से वो बाहर रहता है, उसने आकर के सूचना दी है जब ये कमरा बंद पाया था। तो परिवार में अगर कहीं विवाद की बात होगी या कोई और तथ्य सामने आएगा तो छानबीन से चीज़ें निकल करके आएंगी। अभी हम लोग बेसिकली जो घटना स्थल है उसके निरीक्षण से ऐसा कोई कंक्लूसिव निष्कर्ष नहीं दे सकते हैं, पोस्टमार्टम का इंतजार करें। बहरहाल अभी यह साफ नहीं कि मामला हत्या से जुड़ा था या फिर कहानी कुछ और।
फिलहाल पुलिस शवों का पोस्टमार्टम करा रही है और पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही ये साफ होगा कि आखिर इन बरामद लाशों की असलियत क्या थी। फर्स्ट इंडिया के लिए जालौन यूपी से ब्यूरो रिपोर्ट।